नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के बुलेटिन में। मैं स्वाति, और आइए नजर आते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। सिकंदरपुर बलिया क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में मनरेगा मजदूर कल्याण समिति की एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनुस खान और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार सिंह मौजूद रहे। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनुस खान ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा मजदूर कल्याण समिति मनरेगा मजदूरों को उनका अधिकार दिलाने और उनका शोषण रोकने, उनको स्थायी कराने तथा मजदूरी 600 रुपए प्रतिदिन कराने की लड़ाई लड़ा जा रहा है और यह लड़ाई चलती रहेगी। इस दौरान अंजनी कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान, वीरेंद्र राम यादव और राम अवध राम आदि लोग उपस्थित रहे। बलिया से धनंजय प्रसाद की रिपोर्ट। मैं मनरेगा मजदूर, मेरा नाम यूनुस भाई है, मनरेगा मजदूर कल्याण समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, ये कार्यक्रम मजदूरों को लगाने के लिए लगाया गया था और मजदूरों को जो है हक नहीं मिल रहा है, जो इनका अधिकार है नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार देती लेकिन ये नीचे वाले लोग लूट लेते हैं, मजदूरों का हक लूट लेते हैं। काम जो है मजदूर आज करता है और 6 महीना बाद 4 महीना बाद इसका पेमेंट होता है। 100 दिन सरकार को काम देती है लेकिन ये 100 दिन काम इनको मिलता नहीं। दूसरी बात ये है कि आवेदन करने के बाद लोग जाते हैं गांव में, अधिकारी भी जाते हैं, ग्राम प्रधान भी रहते हैं और जाकर मजदूरों को भड़काते हैं कि अरे 182 रुपये में काम करिएगा, 350 रुपये आजकल मजदूरी है, आप 182, वही खुद कहते हैं हमारे मजदूर 182 रुपये में काम करें और अपनी लड़ाई जारी रखें और सरकार से ये सुझाव दे कि भाई 182 रुपये में हमारा जो भ्रमण प्रकरण नहीं होगा, इसलिए हमारी भी मजदूरी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी हैं। हाँ, मनरेगा में जो भी जॉब कार्ड धारक हैं वो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी लेबर है, प्राइवेट नहीं है। ये काम करता है तो पैसा मिलता है, नहीं करता है तो नहीं मिलता है और काम का आवेदन करता है और उसके बाद सरकार काम नहीं देती है तो उसको बेरोजगारी भत्ता आधा पैसा देने के लिए गारंटी दी है कि मैं आधा पैसा दूंगा। तो सर, सरकार से क्या आपकी मांग है, कितना मजदूरी चाहते हैं? 600 रुपया सर। जी, सरकार से अपनी बात कही? जी, हम लोग दिल्ली गए हैं जंतर मंतर पर, 2-3 मरतबा हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, सरकार जो है इसको बढ़ाने के लिए कही है, अभी तक नहीं बढ़ाई है लेकिन अब जहाँ तक हम लोग उम्मीद है कि इस बार हम लोग जाएंगे दिल्ली तो हम लोग की मजदूरी बढ़ जाएगी, उम्मीद है। कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को या जिलवासियों को क्या बताना चाहेंगे? जी, कार्यक्रम के माध्यम से जिलवासियों को क्या बताना चाह रहे हैं? हम बता रहे हैं कि आप लोग लगे रहिए और 182 रुपये पर ही काम करिए, इसलिए कि जो शिक्षा मित्र हैं या जो संविदा पर जो काम नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो वो नौकरी छोड़ते नहीं, वो काम करते हैं, काम करने के बाद अपना संगठन बनाने के बाद वो लड़ाई अपना लड़ते हैं। धन्यवाद। क्या लगता है कि बंद कर दूं? हम लोग को पूरा विश्वास है जी, और माननीय अध्यक्ष जी इस लड़ाई को लेकर चल रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें कामयाबी मिलेगी। मजदूर तहे दिल से इनको समर्थन दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो कार्य आप शुरू किए हैं हम गरीब असहायों की मदद करने के लिए, और निश्चित आप लड़ाई को लड़िए, हम सब कंधे से कंधा मिला के माननीय अध्यक्ष जी के साथ हैं और आप लड़ाई को लड़िए, जहाँ तक हो सकेगा अपना अपना कुछ भी करना होगा तो हम लोग आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के। आजमगढ़ के लालगंज रतवा चंद्रभानपुर में राशन न मिलने का मामला सामने आया। गांव वालों का आरोप है कि 4 दिन से राशन नहीं मिल रहा, हम लोग रोज आ रहे हैं। जब इसके बारे में कोटेदार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मशीन खराब चल रहा है, इसकी सूचना मैंने दे दी है। आजमगढ़ से सादिक उस्मानी। क्या नाम आपका है? कहाँ कोटा है आपका? अच्छा, क्या मामला है? वो मशीन चलती नहीं है, 10-15 दिन के बाटने में मशीन बैठ जा रही है, उसकी बैटरी फूल गई है, उसका नेटवर्क काम नहीं करता है। लगभग कितने दिनों से ऐसा हो रहा है? ये इस महीने में ज्यादा हुआ है। अच्छा, 5 तारीख से फुल हो रहा है। मैं अभी 108 कार्ड पे गल्ला बांटा हूँ खाली, इतना हमारी जनसंख्या बहुत। इस महीने में कितना अभी तक गल्ला बांटे हैं? 108 कार्ड पे बांटा हूँ। अच्छा अच्छा, एक यूनिट पे कितना गल्ला देते हैं? एक यूनिट 5 किलो देते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये 4 दिन से मशीन खराब हो रहा है आपका? नहीं, एक पहले था तो चल रहा था। कई दिनों से लगभग बताइए? 5 तारीख से। 5 तारीख से जी। एकदम मशीन काम नहीं कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, खाली करता है बस 10-15 काट के, इसके अलावा स्विच ऑफ हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। अच्छा, यही बात।
तो आपने कहीं उसको दिखाया उखाया कि रखे ही हैं? पर ऑपरेटर किया गया तो ऑपरेटर क्या बोल रहे हैं? मैं एप्लीकेशन डाल दिया हूँ कि आपको लखनऊ से बैटरी आएगा। अच्छा। हाँ, अभी तक बैटरी मिला नहीं, एक पहले भी डाल चुका हूँ, 2-3 बार डाल चुका हूँ। आपको मैं साबुत दिखाता हूँ कि देखिए क्या क्या डाल दिया। क्या नाम आपका है? हरीश सिंह। ग्रस्त आदमी है और काम सब है। और क्या सही बात भैया? आप क्या करें, भोपाल देखा तो सही बात है। क्या करें, हम देखो आपके सामने देख लीजिए, खरीद के मैं बिजली आएगी तो मैं तार डालूंगा, देख लीजिए ये साथ में दिखाइए, इसको भी दिखाइए ना। हाँ दिखा दो। तार खरीद कर लाया हूँ, लाइट है नहीं, अब बताओ हम क्या करें? वही चीज़ है ना, आप बताए हैं भाई, गांव वाले घरों पर आसन नहीं दे रहे हैं, देख लीजिए ना, आपका समस्या आपको सामने दिखाई दे रहा है ना। ये तो नहीं है, नहीं आड़े कर रहा हूँ कि नहीं ये है वो नहीं है। क्या नाम है आपका? कई दिन से यहाँ राशन नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, किसी को राशन नहीं मिल रहा है? अच्छा, 4 दिन से लगातार आ रही है, राशन नहीं मिल रहा। कौन गांव है? रेतवा चौहान। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? अच्छा अच्छा, कौन सा गांव है? अच्छा, कई दिन से आ रहे राशन लेने के लिए, नहीं मिल रहा। अच्छा, राशन नहीं मिल रहा है? अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हैं कोटेदार साहब? पूर्व सपा विधायक के आवास पर कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक संपन्न। जी हाँ, 350 दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सपा विधायक आदिल शेख के निजी आवास झाऊ में विधानसभा दीदारगंज क्षेत्र के सपा कार्यकर्ताओं की एक मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र व राज्य सरकार में हो रहे बलात्कार, हत्या, लूट, छिनैती एवं महंगाई आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं ने पूर्व सपा विधायक के सामने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग जिलाध्यक्ष राजा राम, महासचिव राम सिंगार यादव, तेज बहादुर यादव, रामचेत यादव, अबू आसिम खान, जय प्रकाश मिश्रा सहित अन्य समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आजमगढ़ से प्रवीण यादव की रिपोर्ट। आज हम समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आदिल शेख जी, जो दीदारगंज के पूर्व विधायक जी हैं, मैं उनके आवास पर मौजूद हूँ। विधायक जी आज संगठन के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है, उसके बारे में हम माननीय विधायक जी से जानना चाहते हैं कि विधायक जी, आप जो आज संगठन की मीटिंग है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? संगठन की मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें काफ़ी सारी चर्चाएं हुई, जिसमें ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की जो बिगड़ी हालत, बलात्कार, हत्याएं, महंगाई चरम पर है, उत्तर प्रदेश ही नहीं लिए कि आने वाला जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, सारे लोगों को, सारे समाज के बीच में हमारे कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और इनको ये बीजेपी और आरएसएस की इनकी हकीकत को इनके सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह आने वाला दिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान में समाजवादियों का होगा। जी विधायक जी, हमें कहना चाहते हैं कि जो उन्नाव में पीड़िता को जला करके मार दिया गया और इसके बाद उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आज सरकार उस पर बिल्कुल मौन पड़ी हुई है? गिरफ्तारी तो हुई है लेकिन और भी जो कार्रवाई होना चाहिए वो हो नहीं रहा, जिससे जनता बौखलाहट में है। ये सरकार का निकम्मापन है, सरकार पूरी तरह से फेल है, जंगल राज चल रहा है। हमने बताया कि हत्याएं, बलात्कार आम हो चुकी हैं, बेरोजगारी पूरी आम हुई है, लोगों को खाने का ठिकाना नहीं है, किसान मजबूर हैं आत्महत्या करने के लिए, और ये जो जलाकर मारा गया है इसमें भी कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। कल मुख्यमंत्री मरने वाली जिसकी हत्या हुई है वो एक बैकवर्ड क्लास की थी और आप जानते ही हैं कि इस प्रदेश में और देश में क्या चल रहा है, बैकवर्डों के साथ, अल्पसंख्यक के साथ क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं साजिश है। कल पूर्व मुख्यमंत्री जी धरने पर बैठे थे और जो है पूरा देश इस चीज़ को देख रहा था और उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पूरा देश देखा है और पूरा देश इसकी निंदा कर रही है, इस सरकार की, और हम लोग तैयार बैठे हुए हैं
अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के, जब ही आदेश हो जाएगा आधी रात में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक आंधी चलेगी और इन बलात्कारियों को जो सजा जो सह देती है ऐसी सरकार जो किसान विरोधी नौजवान विरोधी समाज विरोधी है इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आए दिन लूट की घटनाएं विधायक जी, आप अभी बीच में हुआ था जौनपुर में लूट की घटनाएं हुई, अभी पर दो दिन पहले बस्ती के बैंक को ICICI बैंक को लूटा जा रहा है, अपराधी एकदम बेखौफ होकर के लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, पूरी तरह से जंगल राज, सरकार पूरी तरह से फेल है। और कहीं ना कहीं हमने कहा है कि जितनी भी घटना हुई है ये ईमानदारी से जाँच कर ली जाए, कहीं ना कहीं ये साजिश का नतीजा है। पुलिस उस पर कुछ अपना काम नहीं कर पा रही है, पुलिस अपंग है, पुलिस बिल्कुल अपंग हुई है। लूट मार सब चल रहा है, थानों में चल रहा है। आज हालत ये हो चुकी है कि कोई गरीब एक छोटा गरीब का इंसाफ नहीं उसको मिल रहा है, पैसा दो तमाशा देखो, आज हालत ये हुई है। जिला गुरदासपुर में श्री गुरु नानक देव जी के चरणों से प्राप्त कस्बा डेरा बाबा नानक में 10 दिसंबर को पंजाब सरकार की ओर से वर्ल्ड कबड्डी कप शहीद भगत सिंह स्टेडियम डेरा बाबा नानक में कराया जा रहा है। इसकी सभी तैयारियां प्रशासन वाले कर रहे हैं और स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ग्राउंड को भी जहां पर कबड्डी मैच खेले जाने हैं उनको भी तैयार किया जा रहा है। इस मौके पर भाग लेने वाली टीमों में पहले स्थान पर आने वाली टीमों को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने कर कमलों से इनाम देकर सम्मानित करेंगे। गुरदासपुर से इकबाल वारिया की रिपोर्ट। मैच अपना करवाया जा रहा है 10 दिसंबर को, जरा कि समाप्ति समारोह कबड्डी कप जो अपना पंजाब सरकार वालों करवाया जा रहा, वो अपने बारे की कहना चाहते। सब तो पहला तो ये जो उपराला डेरा बाबा नानक इंटरनेशनल कबड्डी मैच का हो रहा जी, ये सब तो पहली बार डेरा बाबा नानक सरकार करवाया जा रहा, क्योंकि जिस तरह अज डेरा बाबा नानक कोरीडोर खुलन दे नाल इंटरनेशनल दे तौर दे उत्ते इस शहर नूं सब नूं पता लग गया कि डेरा बाबा नानक कित्थे आ। इस तरह ही जदों हुण अज पंजाब सरकार दे वल्लों एक कबड्डी दा मैच इंटरनेशनल बाहर दीआं टीमां वी आ रहीआं पहली वारी इस धरती दे उत्ते, इस इलाके दे बड़े अच्छे भाग ने वी अज खुशियां भरिया इह दिन जिहड़ा वा ओह आ रिहा है। लोगों में कबड्डी वेखण दे लोग वैसे भी बड़े उत्साह रहिंदे ने, क्योंकि पंजाब दे पिंडां दे विच इह आम कबड्डी जिहड़ी है ना इह खेली जांदी है, तो लोगों का उत्साह बहुत है, बहुत भारी उत्साह होने करके अच्छिया रौनक लगनगियां। पंजाब सरकार दे बड़े धन्नवादी हाँ जिन्होंने डेरा बाबा नानक नूं इस कबड्डी मैच दे लई चुणिया। जिला अमरोहा के ग्राम कोकापुर में काफी सालों पुराना मंदिर है। इस मंदिर को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस मंदिर को शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। अमरोहा से शक्ति सिंह की रिपोर्ट। अमरोहा के जिला कोकापुर में आपका नाम? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह राणा, यहाँ मंदिर के पुजारी, और हमने ये 1913 में इसकी बड़े मंदिर की स्थापना करी थी और हम कई लोग इसमें शामिल रहे, जैसे कि यहाँ से स्वयं हम चंद्रपाल सिंह और खान सिंह और राम कुमार और लल्लू चौधरी और प्रीतम सिंह, पट्टी से भारत सिंह हैं, चंद्र सेन हैं, और भी अन्य कई लोग, भंडा से महिपाल सिंह हैं और सोनन से अब पूछो सुनील, थोड़ा तेज बोलो। रहने वाले मंदिर कितने वर्ष पुराना? तो हमने अभी नया तो अभी बनवाने, बहुत पुराना काफी पता नहीं है। बाबा जी आपका नाम? बोले कौशल गिरी। आप कितने वर्ष यहाँ रहते हैं? हम तो भैया जब से पैदा हुए हैं कम से कम ना तो 20 साल बाहर रहे होंगे, नहीं तो जब से यहीं रहते हैं। मदद पुराना हमारा ये आश्रम है, हमारे गुरुजी यहाँ रहते हैं। बोलो। मनोकामना पूर्ण होती है जो आने आने वालों की? हाँ भैया, यहाँ तो खूब मनोकामना पूर्ण होती हैं, अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी दूर से आते हैं यात्री लोग,
जल चढ़ाते हैं, महादेव बाबा हैं, पाताली निकले हुए, हाँ बहुत सदियों पुराने। मनोकामना पूर्ण हो गई। मेरा नाम श्री रामघाड़ी यादव बोलते हैं, आप रहने वाले खरगानी का है। एक दिवस पुराना मंदिर है कि यहाँ हमारे तमाम बड़े बूढ़े बारों गामन के सभापति है के बड़े बूढ़े इनके जमाने का मंदिर है, इसकी कोई तादाद नहीं कितना पुराना मंदिर है। हाँ विजय पाल, मंदिर कितने साल पुराना है? मंदिर तो ये समझिए काफी पुराना मंदिर है जी, यहाँ निकले हुए पाताल महादेव है, बहुत दिनों से मंदिर का है यहाँ। हमारे पीछे कितनी भीड़ है भक्तों की? बाबा जी आपका नाम क्या है? सत्यगिरी महाराज। आप यहाँ पे कितने वर्ष से रहते हैं? मुझे है 8-7 साल हो गए। ये मंदिर काफी पुराना है? बहुत काफी पुराना है भाई। यहाँ पे काफी दूर से लोग बाग आते हैं? बहुत दूर के आते हैं भाई। अच्छा अच्छा, तो आप एक जानकारी और दीजिए, इसकी जो टाइल वगैरह ये किसने लगवाई थी? मैंने लगवाई पूरी फुल ऊपर तक, और नीचे मंदिर में किसने लगवाई है? अच्छा अच्छा, आपने लगवाई है, इतनी जानकारी। अच्छा अच्छा, मंदिर काफी अच्छा है हमने देखा, इतनी जानकारी लेके बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अभी के समाचार, आए कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।